हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग आ गए निकिता तोमर का आखिरी वीडियो देखने के लिए। मुझे पता था सब लोग ऐसा ही करते हैं, क्योंकि मैं पहले से कहता आ रहा था कि जब तक इस देश का सिस्टम चेंज नहीं होगा तब तक इस इंडिया में ऐसा ही होता रहेगा। मैं यह कह रहा हूं आप लोगों से कि कुछ सालों बाद ऐसा सिस्टम हो जाएगा कि कोई भी लड़की घर से बाहर कदम रखने से 100 बार डरेगी। दोस्तों आज के वीडियो को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह है दोस्तों, यह देखिए, यह है निकिता तोमर की मां। देखिए वही मां जिसकी 21 वर्षीय लड़की को बीच चौराहे पर कॉलेज के सामने दो बदमाश लोग गोली मारकर चले जाते हैं। यह वही मां है जिसकी 21 वर्षीय लड़की को बीच चौराहे पर गोली मारकर मार दिया जाता है। दोस्तों अब उसी के लिए हल्ला बोल चल रहा है, रोड पर जनता आ रही है। दोस्तों सबसे दुख की बात तो यह है कि अपने इंडिया का सिस्टम कभी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि जब इन लोगों को, बदमाशों को पता चल गया है कि भाई कि ये दोनों बदमाश हैं, इन्होंने लड़की को मार दिया, तो ऐसी कड़ी से कड़ी सजा रखनी चाहिए जिससे दूसरा सामने वाला व्यक्ति हो या कोई भी देखने वाला हो उसका पसीना छूट जाए और कोई ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचे। दोस्तों वीडियो को इतना शेयर करना है आप लोगों को कि सोशल मीडिया की पावर दिखा देना है, और दोस्तों आगे बढ़ाते चलना है इस वीडियो को। अब देखिए यहां पर निकिता तोमर का ये सीसीटीवी फुटेज, ये निकिता तोमर का सीसीटीवी फुटेज है, जिस सीसीटीवी फुटेज में दो बदमाश उस निकिता तोमर के साथ जबरदस्ती करते हैं उसे किडनैप करने की। दोस्तों उसे किडनैप करने की कोशिश की जाती है और उसके साथ एक सहेली भी होती है। ये दोनों दोस्तों बहुत ही बचने की कोशिश करती हुआ निकिता तोमर, क्योंकि वह जो लड़का था वह एक मुसलमान था और यह लड़की एक हिंदू थी, और इसमें लव जिहाद का चक्कर है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि वह मुसलमान लड़का उसे जबरदस्ती किडनैप करने की कोशिश करता है, लेकिन वह लड़की को ऐसा कुछ पसंद नहीं है। वह लड़की बहुत ही बचने की कोशिश करती है और उससे छूट भी जाती है, लेकिन दोस्तों उस बदमाश ने यहां कनबटी पर दोस्तों पिस्टल से गोली मार दी और उस लड़की की वहीं पर डेथ हो जाती है। दोस्तों उसे हॉस्पिटल तो ले जाया जाता है लेकिन उसकी रास्ते में ही डेथ हो जाती है। ये दोस्तों आप सोचिए उस परिवार का कैसा बुरा हाल हो रहा होगा, जिस परिवार की वह लड़की थी उस मां का क्या बुरा हाल है जो मां बेहोश डली थी रोड पर उसे देखकर अपनी लड़की की लाश को। लेकिन दोस्तों अब बताइए अपने इंडिया का सिस्टम ये है कि वे दो बदमाश दोस्तों सफेद गाड़ी लेकर आए थे, जबरदस्ती करने लगे बीच चौराहे पर, लेकिन वहां पर बचाने वाला कोई नहीं था और सीसीटीवी फुटेज चल रही थी। सीसीटीवी फुटेज का लाइव टेलीकास्ट कोई ना कोई तो कर रहा होगा, घर बैठे ही देख रहा होगा कि भाई देखने हमें क्या करना, जो चल रहा है चलने दो। लेकिन दोस्तों यह सिस्टम कभी चेंज नहीं हो सकता इंडिया का, इंडिया में ऐसा ही होता रहेगा। मैं पहले से कई बार बोल चुका हूं कि अब लोग क्या करेंगे, कैंडल लेके आएंगे, पोस्टर लेके आएंगे और इंसाफ की मांग करेंगे, यही होता है अपनी इंडिया में बस। लेकिन दोस्तों इस चीज को ऐसा चेंज नहीं किया जा सकता कि यह सब कुछ ना हो, इन कैंडलों की इन पोस्टरों की जरूरत ही ना पड़े। दोस्तों इस इंडिया का कानून ऐसा सिस्टम बनना चाहिए कि कोई भी लड़का या कोई भी कुछ ऐसा सोचे तो 100 बार सोचे ऐसा कार्य करने से पहले। दोस्तों अब बात करता हूं मैं इस निकिता तोमर की लड़की के बारे में। दोस्तों इस निकिता तोमर की लड़की के पीछे यह मुसलमान लड़का जो कि 2018 से ही पीछे, बल्कि और पहले से ही क्लास से ही पढ़ा है दोस्तों, और 2018 में भी इसने किडनैपिंग की थी इस लड़की की और इसे किडनैप किया था। लेकिन दोस्तों इसके चक्कर में उस मुसलमान लड़के पर, इस लड़की जो निकिता तोमर है इसके घर वालों ने उस पर FIR कर दी थी। लेकिन उस वक्त 2018 में जो लड़की के परिवार वाले थे वह बेइज्जती होने से डर रहे थे कि लोग क्या सोचेंगे, बाहर लोग क्या सोचेंगे लड़की के बारे में, दोस्तों कोई लड़की का हाथ नहीं लेगा, हाथ नहीं मांगेगा, इस तरीके की एक समाज की सोच होती है। लेकिन दोस्तों 2018 में वह लड़का था, वह पैरों में गड़गड़ाया और माफी भी मांगी, लेकिन उस वक्त दोस्तों यह ऐसा ही चलता रहा और समाधान हो गया उस केस का, तो 2018 में वह केस फिनिश कर दिया कि जाने दो अब यह लड़का अब नहीं करेगा ऐसा। लेकिन दोस्तों आज फिर 2020 में 2 साल बाद फिर उसने तो सारी हदें पार कर दी
बीच चौराहे पर फिर से किडनैपिंग करने की कोशिश की उस लड़की की, लेकिन दोस्तों वह लड़की नहीं आताई तो वह गोली मारकर चला गया। दोस्तों ये है अपनी इंडिया जहां पर कोई भी लड़की सुरक्षित नहीं है। दोस्तों खुदा ना खास्ता मेरा पड़ोसी के साथ ऐसा हो, खुदा ना खास्ता आपके यहाँ किसी शहर में ऐसा हो, या खुदा ना खास्ता आपके किसी घर में या परिवार के साथ ऐसा ना हो। तो दोस्तों सोशल मीडिया की पावर दिखा दो कि पूरा भारत देश एक है और ऐसे लोगों को सजा दिलाने के लिए भी एक है। ऐसा कुछ आप लोगों को करना है अब दोस्तों, यह सिस्टम चेंज करना होगा अपनी इंडिया का, कि ऐसा करने से पहले कोई भी व्यक्ति को हजार बार सोचना पड़ेगा। दोस्तों वह लड़की इतनी इंटेलिजेंट थी दोस्तों, वह ऑफिसर बनना चाहती थी, ऐसी दोस्तों परिवार बारे बोल रहे हैं। आप दो लोग जो थे, जो दो लोग थे बदमाश, उन्हें ऐसा बताया जा रहा कि उन्हें रिमांड के लिए भेज दिया गया है, लेकिन इस बारे में पूर्ण रूप से नहीं बोल सकता। मैं रोष है और एक बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि दिन दहाड़े एक बच्ची, टॉपर बच्ची पढ़ने जा रही है। मैं कहती हूँ बच्ची टॉपर भी नहीं थी, तो वो बच्ची पढ़ने का जज्बा रखती थी, वो एक अफसर बनना चाहती थी पढ़ लिख कर। उस बच्ची का पहले अपहरण की कोशिश की गई, उसके बाद उसकी सरेआम हत्या कर दी गई। सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं, वहां पे कोई वॉच कर रहा था क्यों नहीं वहां? सबसे बड़ी बात बता दूं दोस्तों, जो जनता की मांग है वह जनता की मांग मैं बताता हूं। दोस्तों जनता की मांग है कि ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति उसे देख रहा हो उसका पसीना छूट जाए। दोस्तों यह है जनता की मांग। आप लोगों की सोच क्या है जो मुझे देख रहे हैं? दोस्तों अपनी राय जरूर दिया करो, क्योंकि मैं आपकी हर कमेंट्स पढ़ता हूं और हर व्यक्ति के बारे में पता चलता है कि किसकी कितनी सोच है। मुझे तो वीडियो के अनलाइक से ही पता चल जाता है कि वीडियो पर अनलाइक आ रहे हैं, मतलब कि अभी भी बहुत सारे बदमाश जिंदा हैं जो कि ऐसे केस करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो वीडियो को अनलाइक करने से पहले भी हजार बार सोच लेना, क्योंकि दोस्तों अनलाइक का मतलब है उन बदमाशों का साथ देना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अनलाइक करो लाइक करो उससे मतलब नहीं है, लेकिन यह वीडियो देखने के बाद दोस्तों अनलाइक का मतलब वही होता है कि बदमाश का साथ देना। और अनलाइक लाइक कुछ भी मत करो, नो प्रॉब्लम, मुझे क्या टेंशन है। वीडियो को हो सके जितना शेयर कर देना, और जो भी बंदे नए हो इस मुहिम को, ऐसे लोगों को दोस्तों सजा दिलाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि खुदा ना खास्ता आपके परिवार के साथ या आपके पड़ोसी के साथ कुछ ना कुछ ऐसा खुदा ना खास्ता हो। मैं नहीं चाहता हो, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं चाहता देश के अंदर ऐसी कोई भी चीज सामने आए, इसलिए मैं कह रहा हूं भारत देश की जनता को एक होना पड़ेगा और इंडिया का जो सिस्टम है वह चेंज करना पड़ेगा। ये सब जनता के हाथ है। चलता हूं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा। थैंक यू।